जी बाबा जी क्या हुआ बताएं कुछ, क्या है प्रोसीडिंग? ये शहर फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी का सपना खट्टर सरकार ने दिखाया था वो पूरा का पूरा इन्होंने क्राइम सिटी बना दिया है। पहले लोग गोलियों से मारे जाते थे, आज की डेट में सीवर में और गड्ढे में गिर के लोग मर रहे हैं। एक बेचारा मजदूर बिहार से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए आया था, जो अभी बारिश में सेक्टर 21 में नगर निगम द्वारा जो खुले हुए गड्ढे में गिर के उसकी मौत हो गई और दो दिन के बाद उसकी बॉडी मिली। हम लोग नगर निगम गए थे और हमने प्रशासन से मांग करी थी कि नगर निगम की वजह से ये सातवीं मौत फरीदाबाद के अंदर हुई है, तो सीवर में के ढक्कन के कारण या गड्ढे कारण जिन लोगों की मौत हो रही है उनपे मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन भाजपा सरकार की जो तानाशाही पुलिस है उसने नगर निगम पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा हम समाज सेवियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं अपने सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने हमारी जमानत कराई है उसके लिए बधाई, और आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं, खट्टर सरकार की वजह से भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। चंद्र यादव जी कहाँ जा रहे हैं? आप जल्दी कैसे पहुँचते थे? परिजनों पर ऐसी कोई बात है क्या? देखो मेरी बात सुनो, परिजन तो बेचारे दुखी हैं, वो तो गांव से आए थे, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं उनका। जो भाजपा सरकार का प्रशासन है उन्होंने उनके बच्चों से साइन करा लिया, उनसे बोला कि किसी तरह की मौत नहीं हुई, हार्ट अटैक हुआ है, जबकि गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। दो दिन बाद उसकी बॉडी तैरती हुई मिली है, वहाँ ड्यूटी से आ रहा था। बाबा जी आप पहुंचे हैं, इच्छाना नहीं हुआ, आप तो वहाँ पहुँचे नहीं, पहले ही वहाँ के शासन प्रशासन में बाद में आया हूँ। शासन प्रशासन तो जाकर दीजिए बॉडी रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी भी प्रवासी के नहीं। जब मैंने लाइव देखा तब उसके साथ जाति नहीं होने, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो पता है बाबा क्या आपके साथ कोई मारपीट वगैरह हुई है? ये तो मुकदमा दर्ज होता रहेगा। मैंने कहा हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जेल से डरने वाले नहीं है, हमारे भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है। मुकदमा ये दर्ज करते रहे, हम फरीदाबाद की आवाज उठाते रहेंगे, फरीदाबाद को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी हमने जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला फूका है, आज कुंभकर्ण जाग चुका है, और इसे जो भ्रष्टाचार करना था तभी जागता है, आज कुंभकर्ण जागा, रावण का आदेश आया और हम पे पर्चा दर्ज किया, और जो धारा गरीब मजदूर है उसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम लोग करते हैं। बाबा का फोन भी टूट गया है क्या? फोन टूट गया है। तो एक फोन कैसे टूटा? किस पुलिस वाले ने छीन के तोड़ा है कैसे? हां पुलिस के छीनने से टूटा है फोन, जो समय हाथापाई कर रहे थे वो लोग और मारपीट कर रहे थे उसी वजह से फोन टूटा है। तो आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ मुकदमा हो गया जी, और जमानत हमारे साथियों ने दी है, जो भी समाज से भी है हमारे साथ में उन्होंने दिए। तो बाबा आगे भी किसी गड्ढे को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? भाई साहब हम क्या मान जाएंगे, क्या रुकने वाले हैं, क्या डरे नहीं करने वाले? कहा संतोष यादव जी की कुंभकर्ण जाग गया है, पर आम आदमी पार्टी कहीं इस वक्त नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। हम डरने वाले नहीं है, जनता की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े। एक बार नहीं कितनी बार मुकदमे दर्ज करे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे दबने वाले नहीं है। ये सोचे कि मुकदमा दर्ज कर देंगे, ठीक है उन्होंने अपनी कार्रवाई करी हमने अपनी करी, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा। और ये समाज सेवी है, ये लड़ाई चलती रहेगी फरीदाबाद सुधार में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप रात को भी हमारे लिए यहाँ उपस्थित रहे। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार धन्यवाद के इतनी रात को भी और भरी बारिश में आप लोग हमारे लिए चिंतित रहे, और जब तक आप लोग नहीं चले गए यहाँ से हिले, जब तक कि हमारी जमानत नहीं हुई, आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं, मैं वादा करता हूँ कि शहर में जो भी मौतें होंगी हर एक पे बाबा राम केवल और ये समाज सेवी जो संगठन खड़े हैं ये हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इंकलाब।